वेलकम टू ममताज किचन फ्रेंड्स, आज हम पनीर वेज सैंडविच बनाएंगे। एकदम टेस्टी और हेल्दी है, तो बनाने की शुरुआत करते हैं। वेज पनीर सैंडविच। पनीर वेज सैंडविच बनाने के लिए ब्राउन ब्रेड ली है, आप सेमोलिना ब्रेड भी बना कर ले सकते हैं। सेमोलिना ब्रेड बनाने की रेसिपी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लिंक ओपन करके आप सेमोलिना ब्रेड की रेसिपी भी देख सकते हैं। 1/4 कप हमने ग्रेटेड चीज लिया है, 3/4 कप ग्रेटेड पनीर लिया है, बटर लिया है, बॉम्बे सैंडविच की ग्रीन चटनी ली है। इसकी रेसिपी की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप ग्रीन चटनी भी घर पे आसानी से बना सकते हैं। एक अनियन लिया है, टमाटर, कैप्सिकम, एक बॉइल्ड आलू लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च ली है, अदरक लिया है, कोरिएंडर लीव्स लिया है, सैंडविच मसाला और गार्लिक चटनी है। ये ढोकले के साथ सर्व की जाती है। ये चटनी की रेसिपी की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो ओपन करके आप ये चटनी भी घर पे बना सकते हैं। ये सैंडविच की चटनी है, राजकोट की फेमस गोर्धन भाई की चटनी, इसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ओपन करके घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो बनाने की शुरुआत कर देते हैं। सब वेजिटेबल क्रश करने के लिए एक चॉपर ले लिया है हमने, उसमें हम अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च इसके साथ ही हम डाल देंगे, हरा धनिया भी हम इसमें ही डाल देंगे। अदरक, मिर्ची और धनिया इस तरह क्रश करके सैंडविच में डालेंगे तो सैंडविच का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे हम क्रश कर लेंगे। चॉपर में आप छोटा या बड़ा कैसा भी कर सकते हैं। अभी थोड़ा मोटा है तो हम थोड़ा और क्रश कर लेंगे। परफेक्ट हमारा अदरक, मिर्ची और धनिया क्रश हो गया है, तो इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। इसी चॉपर में हम कैप्सिकम डाल देंगे, और अनियन भी डाल देंगे और क्रश कर लेंगे इसे। कैप्सिकम और अनियन भी अच्छी तरह से क्रश हो गया है, तो ये मिर्ची अदरक के साथ हम इसे भी डाल देंगे। बॉइल पोटैटो लिया है, उसे भी हमें ग्रेट कर लेना है। पोटैटो भी हमारा ग्रेट हो गया है। ये टमाटर भी हम चॉपर में डाल के क्रश कर लेंगे। टमाटर भी हमारा अच्छे से क्रश हो गया है। तो ये क्रश किए हुए आलू, अनियन और सब मसाले के साथ इसे भी डाल देंगे। अब इसमें हमने जो पनीर लिया है वो ऐड कर देंगे, चीज भी ऐड कर देंगे और ये सैंडविच मसाला भी 1/2 टीस्पून हमने ले लिया है वो भी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून जितना हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, थोड़ा गरम मसाला डाल देना है,
और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स ये सैंडविच टेस्टी तो है ही, हेल्दी भी इतनी सरस है। सब हमारा मिक्सचर मिक्स हो गया है। सबसे पहले हम स्लाइस पे बटर अप्लाई कर देंगे। दोनों साइज पे बटर लगा दिया है। अब ये ग्रीन सैंडविच की चटनी है, ये हम लगाएंगे। अब जितना ज्यादा तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से चटनी लगा देनी है। और हमने जो मसाला बनाया है पनीर का वो भी इस पे लगा देंगे। ये जो दूसरी वाली स्लाइस है बटर वाली, ये इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। दूसरी सैंडविच भी इस तरह हम तैयार कर लेते हैं। दूसरी सैंडविच भी हमने इस तरह तैयार कर दी है। अभी हम इसे टोस्ट कर लेंगे। टोस्टर में हम बटर या घी अप्लाई कर देंगे। ये जो हमने तैयार की है सैंडविच वो रख देंगे। फिर से ऊपर हम घी या बटर लगा देंगे। अभी इसे हम गोल्डन ब्राउन तक होने तक रोस्ट होने देंगे, टोस्ट होने देंगे। सैंडविच हमारी टोस्ट हो गई है, देख सकते हैं एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई। इसे सर्व कर देते हैं। इसे हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये सैंडविच टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है और इसे हम सर्व कर देंगे। देख सकते हैं आप इसका फीलिंग भी बढ़िया है। ये हमने पनीर के हार्ट्स छोटे छोटे बनाए हैं, तो ये भी हम रख देंगे। तो फ्रेंड्स तैयार है पनीर की एकदम हेल्दी एंड टेस्टी सैंडविच।